हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इको फ्रेंडली गणपति डेकोरेशन। तो देर ना करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला वाला डेकोरेशन को। पहला वाला डेकोरेशन के लिए मैंने सबसे पहले एक कार्डबोर्ड पे सेमी सर्कल कट कर ली। इसके बॉर्डर को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज कर रही हूँ कुछ मनी प्लांट्स के पत्ते। कार्डबोर्ड के बैक साइड पे अब मैंने मनी प्लांट के पत्ते को एक कार्डबोर्ड के बॉर्डर पे इस तरीके से पेस्ट किए जा रही हूँ। मनी प्लांट के पत्ते की जगह आप यहाँ पर पान के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। मेरे घर पे मनी प्लांट था इसीलिए मैंने इसके पत्ते यूज किए हूँ। मनी प्लांट के पत्ते अच्छे से डेकोरेट हो गए यहाँ पर। अब बॉर्डर के मिडिल पार्ट को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर दूर्वा घास को पेस्ट कर रही हूँ। अब कार्डबोर्ड को मैंने फ्रंट साइड पे टर्न की। अब मैंने एक बनाना के लीफ ली, उसको कार्डबोर्ड के साइज पे कट कर लिए। फिर इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिए। इसके बाद मोगरा फ्लावर के माला को मैंने इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने एक पिंक कलर फ्लावर के माला लिए और उसको इस तरीके से पेस्ट कर दी। उसके बाद मैंने कुछ येलो रोजेस लिए और वन बाय वन ऐसे पेस्ट कर दी। बस रेडी हो गया बैकग्राउंड के डेकोरेशन। आप गणपति जी को यहाँ पर स्थापित कर दी। बस कंप्लीट हो गया फर्स्ट डेकोरेशन। अब स्टार्ट करती हूँ सेकेंड वाला डेकोरेशन। उसके लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ एक स्मॉल साइज के क्ले पॉट एंड कोकोनट शेल। ये है कुछ पान के पत्ते। अब मैंने ये पान के पत्ते को क्ले पॉट पे इस तरीके से वन बाय वन पेस्ट किए जा रही हूँ। पूरे मटकी पान के पत्ते से अच्छे से कवर कर दी। अब नीचे वाला पार्ट को इस तरीके से पेस्ट कर दी हो। कोकोनट शेल के बॉर्डर को कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने चूज की हूँ मोगरा फ्लावर के माला।
फिर मैंने इसको राउंड शेप पे बॉर्डर पे पेस्ट कर दी। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दी हूँ। कोकोनट सेल के अंदर को डेकोरेट करने के लिए यह मैंने चूज की हूँ पिंक कलर के रोजेस के पेटल। अब पेटल्स को मैंने वन बाय वन इसके अंदर पेस्ट कर दी। जो मटकी को मैंने पहले डेकोरेट करके रखे थे पान पत्ते से, उसके ऊपर अब कोकोनट शेल को ऐसे पेस्ट कर दी। अब गणेश जी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कर दी। तो ये रहा टू डिफरेंट इको फ्रेंडली गणपति डेकोरेशन। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।